और इंसान डिमोटिवेट तब फील होता है बहुत ज़्यादा, एंड इस बारे में तब सोचता है बहुत ज़्यादा जब उसकी लाइफ में कुछ काम नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए लाइफ में काम भी करते रहो, लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगेन ब्रह्मचर्य के बारे में, और ब्रह्मचर्य में आने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि यार हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस एडिक्शन, एंड जो भी पुरानी ताकत खोई हुई है उस ताकत को वापस कैसे लाया जाए एंड कैसे पावरफुल बना जाए। और ये क्वेश्चन इंसान तब पूछता है यार जब इंसान बहुत ज़्यादा हस्तक्रिया कर देता है, एंड और हस्तक्रिया करने के बाद इंसान को लगता है कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया हूँ, एंड मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हो रहा है, एंड मुझे अब ताकत चाहिए, मुझे पावरफुल बनना है, ये सोचता है इंसान जब, तब उसके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार हाउ टू रिकवर फ्रॉम दिस, एंड ब्रह्मचर्य से मैं कैसे रिकवर कर सकता हूँ। तो इसका पूरा आंसर आपको मिलने वाला है आज, एंड इसके बाद आपको कोई भी वीडियो दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इतनी गारंटी मैं देता हूँ आपको। एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद, एंड अच्छे के साथ साथ आप कुछ अच्छा करेंगे अपने साथ एंड ब्रह्मचर्य भी करेंगे दोस्त। तो ये होता है कि अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, जल्दी रिकवर करना चाहते हैं, देन इसको भूल जाओ प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे एक दिन में दो दिन में रिकवर हो जाऊं मैं, एंड जो पुरानी खोई हुई डीमोटिवेशन दोबारा से वापस आ जाए, देन इस चीज़ को भूल जाओ मेरे भाई। नो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंसान सबसे बड़ी गलती करता है अपनी लाइफ में, जो कि है सब्र। सब्र नहीं कर पाता इंसान कभी भी लाइफ में। अगर आपको रिकवर करना है लाइफ में, अगर आपको मोटिवेट रहना है हमेशा, ब्रह्मचर्य करते रहना है हमेशा एंड पावरफुल बने रहना है हमेशा, देन आपको धीरे धीरे रिकवर करना पड़ेगा। धीरे धीरे मतलब कोई भी चीज़ को आपने अगर जल्दी जल्दी करना है, भैया मुझे जल्दी करना है रिकवर, जल्दी पावरफुल बनना है, अगर आपने ऐसा सोच लिया, देन आप डीमोटिवेट अगेन हो जाएंगे कि यार मैं तो हो ही नहीं रहा हूँ यार, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा यार, मुझे तो कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा यार। एंड ऐसा बहुत सारे दोस्त लोग कमेंट भी करते हैं कि यार मैंने ब्रह्मचर्य कर दिया है 30-40 दिन तक कर दिया, मुझे फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है यार, मैं क्या करूँ, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने 30-40 दिन तक भी कर दिया लगातार, देन उनसे तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि यार मेरे भाई बहुत अच्छे काम है, आपने रिकवर कर लिया। एक्चुअली आपको लग रहा है बस कि यार आप में कमज़ोरी है, बट वो कमज़ोरी नहीं है मेरे भाई, वो एक रियल ताकत है आप में, जो हस्तक्रिया करने के बाद, हस्त मैथुन करने के बाद प्रॉब्लम या फिर डीमोटिवेशन फील होता है, वो डीमोटिवेशन आपको इस समय नहीं फील हो रहा होगा डेफिनेटली। आपको बस लग रहा है कि यार मैं कमज़ोर हूँ, बट आप कमज़ोर नहीं है मेरे भाई, कोई भी इंसान ऐसे कमज़ोर नहीं होता है, बस इंसान को लगता है। एंड जो इंसान जल्दी जल्दीबाजी में कि भैया मुझे जल्दी से जल्दी करना है, देन वो इंसान तो डिमोटिवेट डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि जो भी इंसान कुछ भी चीज़ में, किसी भी लाइफ की कोई भी चीज़ में, अगर आप जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं कोई भी काम, एंड कुछ जैसे बड़ा गोल है आपका एंड उसको अचीव करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, देन ये बहुत गलत चीज़ है मेरे भाई। और ब्रह्मचर्य तो इतनी ईजी चीज़ नहीं है कि आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेंगे मेरे भाई। मतलब अगर आपको पावरफुल बनना है, जन लगातार टाइट बनना है एंड अच्छा बनना है बॉडी में, देन आपको लगातार वर्कआउट करना पड़ेगा मेरे भाई, हर रोज़ वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड धीरे धीरे होगा यार, धीरे धीरे होगा सब काम, ये नहीं होगा कि एक दिन में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। नो, ब्रह्मचर्य की ताकत भी आपको मिलती रहेगी, वीर की ताकत भी आपको मिलती रहेगी, एंड उसके साथ साथ जो आप वर्कआउट कर रहे हैं, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड योग कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उसका भी आपको अलग से फ़ायदा मिलेगा मेरे भाई। तो ये डेफिनेटली आपकी बॉडी में धीरे धीरे ताकत लेके आएगा, एंड जल्दी की मत सोचो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कहीं नहीं जा रही आपकी बॉडी, आपके साथ ही है बॉडी, जो आपकी बॉडी है वो केवल आपके साथ ही रहने वाली है। इसलिए ये मत सोचो कि मुझे जल्दी जल्दी करना है, ईजिली धीरे धीरे हो जाता है मेरे भाई, सब काम धीरे धीरे होगा। इसलिए पेशेंस, हमेशा लाइफ में पेशेंस रखो, किसी भी काम में, किसी भी बड़े गोल को अचीव करने में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एंड उसके साथ साथ बुरे विचार अपने दिमाग से निकालो मेरे भाई, आएंगे बुरे विचार आपके दिमाग में, आएंगे लाइफ में, आते हैं बुरे विचार, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके चक्कर में, उन बुरे विचारों के चक्कर में अपना वीरनाश कर देंगे, लड़की को देखने के चक्कर में वीरनाश कर देंगे, ये बस बुरे विचार करवाते हैं आपसे। आपने अपने दिमाग से अगर बुरे विचार निकलवा दिए, देन ऑटोमेटिकली आपके जो वीर्य नाश करने की प्रॉब्लम है वो गायब हो जाएगी मेरे भाई, क्योंकि जब आप वीरनाश कर रहे होते हैं, देन आपके दिमाग में केवल और केवल बुरे थॉट्स होते हैं, बुरे थॉट्स अगर आपने निकाल दिए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से सब कुछ गायब हो जाता है मेरे भाई।
केवल अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल चौड़ में चलो, बिल्कुल सीना तान के चलो मेरे भाई, अपना सिर ऊपर करके चलो। और कभी भी ऐसा मत सोचना कि यार आपकी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, यू नो, बहुत सारे दोस्त लोग करते हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा डर के रहते हैं। नो, आपको लाइफ में कभी डरने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई। अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं देन ब्रह्मचारी कभी किसी से डरता नहीं मेरे भाई, ये याद रखना। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहकर बात करो सबके साथ, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहकर प्रैक्टिस करो खुद की कि मैं कैसे बात कर सकता हूँ किसी इंसान से। एंड ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगी एंड बिल्कुल पावरफुल डेफिनेटली आप बन जाएंगे मेरे भाई। और रिकवर करने वाली बात जो है दोस्त, रिकवर करने के लिए आपको बस रोज़ वर्कआउट करना है, बस रोज़ वर्कआउट करो मेरे भाई, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिकवर करेगी ही करेगी, डेफिनेटली करेगी। बस आपको लगता है यार नहीं कर रही है बट हो रहा है मेरे भाई। आसन करो, योग करो, डेफिनेटली आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली रिकवर कर रही है। जो आप चाह रहे हैं, जो आप में कमजोरी है वो अंदर ही अंदर से गायब हो रही है। और इंसान डिमोटिवेट तब फील होता है बहुत ज़्यादा एंड इस बारे में तब सोचता है बहुत ज़्यादा जब उसकी लाइफ में कुछ काम नहीं होता है मेरे भाई। इसलिए लाइफ में काम भी करते रहो, लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहो लाइफ में, खुद के लिए कुछ ना कुछ काम करो। वीडियोस देखते हो तो ये आजकल वीडियोस से इंटरनेट भर चुका है मेरे भाई, वीडियोस आनी कभी भी बंद नहीं होने वाली हैं। इसलिए इन वीडियोस को भी देखना बंद करो एंड खुद के लिए काम करो, कुछ लाइफ में अच्छा करो, नॉलेज गेन करते रहो, कुछ ना कुछ अच्छा करो, देन डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी एंड बहुत महान बन जाएंगे आप यार ब्रह्मचर्य करते करते। नाउ एंजॉय करो, ओके बाय।